वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। एमबीए कोर्स के लिए 3 दिन सीएसईआर से मेरिट लिस्ट होगी जारी। एमबीए कोर्स में प्रवेश को लेकर सोमवार से कॉलेज लेवल काउंसलिंग रखी गई थी। डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने 3 दिन सीएसई रखी है। अब विद्यार्थियों के आवेदन पर कॉलेजेस को मेरिट लिस्ट जारी करनी है। ये प्रक्रिया 20 अक्टूबर तक चलेगी। इसके बाद कॉलेजेस को प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों और रिक्त सीट्स की जानकारी देनी है। चुनिंदा संस्थानों से संचालित कोर्स को लेकर विद्यार्थियों को रुचि नजर आ रही है। पश्चिम मध्य रेलवे के जीएम ने किया दौरा, हबीबगंज स्टेशन तैयार, 15 को पीएम करेंगे उद्घाटन। भारत का पहला वर्ल्ड क्लास हबीबगंज रेलवे स्टेशन बनकर तैयार है। हबीबगंज निजी भागीदारी से तैयार किया गया देश का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है। यहाँ की सेफ्टी, सिक्योरिटी और फैसिलिटी सबसे अलग है, जो अन्य किसी रेलवे स्टेशन में नहीं। अब इसके उद्घाटन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए हबीबगंज स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को नवंबर में मिल सकती है खुशखबरी, सैलरी में आएगा उछाल। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का इंतजार खत्म होने वाला है। केंद्र की मोदी सरकार और अन्य राज्यों के द्वारा 7th पे कमीशन के तहत महंगाई भत्ता और राहत बढ़ाने के बाद अब मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को भी जल्दी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। शिवराज सरकार 5% महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जिले में डीएपी की जगह मिलेगा एनपीके, किसानों को लागत में हो पाएगी कमी। जिले में भी प्रदेश की तरह डीएपी की दिक्कत है, जिसके विकल्प के रूप में कृषि विभाग के द्वारा किसानों को एनपीके का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि डीएपी की जगह एनपीके के उपयोग से खेती की लागत में कमी आएगी। खाद उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार मार्क फेड के अधिकारी इन दिनों कोई भी जवाब देने से बच रहे हैं, यहाँ तक कि फोन भी रिसीव नहीं कर रहे। रबी मौसम में मुख्यतः गेहूं, चना, मसूर, अलसी आदि फसलों की खेती की जाती है। ध्वनि प्रदूषण को लेकर चलाई मुहिम, पशु पक्षियों और वृद्धों को मिलेगी राहत। हॉर्न मुक्त इंदौर बनाने के लिए धीरज गर्भ मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि वे हॉर्न बजाए बिना ही अपने वाहनों को चलाएं। वहीं ऑटो चालकों को हॉर्न मुक्त रिक्शा चालक बनने के लिए समझाइश दी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पुलिस और प्रशासन दोनों ही ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए कदम तो उठा रहे हैं, लेकिन किसी के ऊपर भी ठोस रूप से जिम्मेदारी तय नहीं और इसका लाभ नियमों को तोड़ने वाले लोग उठा रहे हैं। धीरज गर्ग ने बताया कि संसाधन जोड़ने की होड़ में इंसान ये भूलता जा रहा है कि इनके दुष्प्रभाव किस कदर घातक साबित होंगे। ज्योतिर्मय सम्मान समारोह में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने 22 गुरुजनों को किया सम्मानित। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान हमेशा सर्वोपरि रहा है। हर किसी के घर में गुरु की तस्वीर जरूर दिखाई देती है, लेकिन किसी उद्योगपति की नहीं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुरु का स्थान सबसे बड़ा है। लगातार 5 साल से ज्योतिर्मय सम्मान कार्यक्रम आयोजित कर बहुत ही अच्छी पहल की है। ये बात गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को होटल सयाजी में आयोजित ज्योतिर्मय सम्मान समारोह के दौरान कही। कोरोना संक्रमण नियंत्रित होते ही पटरी पर लौटने लगी अर्थव्यवस्था। कोरोना संक्रमण के नियंत्रित होते ही अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है। आर्थिक गतिविधियां बढ़ने से वर्ष 2021-22 के लिए सरकार ने वाणिज्यिक कर से राजस्व प्राप्ति का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसका आधे से अधिक राजस्व 6 माह में प्राप्त हो चुका है। केंद्र सरकार से भी सहायता लगातार मिल रही है। सितंबर तक जीएसटी क्षतिपूर्ति के 4,666 करोड़ रुपए मिल गए हैं। मध्य प्रदेश के सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी की करोड़ों रुपए की 25 बेनामी संपत्ति अटैच। आयकर विभाग ने सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी के करोड़ों रुपए की 25 बेनामी संपत्ति अटैच की है। पुलिस अधिकारी ने ये संपत्ति अलग अलग वर्षों में खरीदी थी। बैंकों में लाखों रुपए की एफडी भी मिली है। आय के ज्ञात स्रोतों के आधार पर पुलिस अधिकारी से पूछताछ की गई। आयकर विभाग ने सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी की करोड़ों रुपए की 25 बेनामी संपत्ति अटैच की। शिक्षा विभाग का आदेश, नवम्बर में बंद होने वाले हैं स्कूल। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने त्योहारी सीजन के लिए अवकाश घोषित कर दिए। शिक्षकों और छात्रों के लिए दीपावली पर 5 दिन का अवकाश दिया जाएगा। ये 2 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक रहेगा। वहीं सर्दियों में 7 दिन का शीतकालीन अवकाश दिया जाएगा। इसके बाद छात्रों की गर्मियों की छुट्टियां 1 मई 2022 से 16 जून 2022 तक रहेंगी, जबकि शिक्षकों के लिए अवकाश 1 मई से 9 जून तक होगा।
जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना के मरीज कम होने के बाद सरकार ने कई ढील भी दी थी। इस क्रम में स्कूल कॉलेज भी फिर से खोले गए। मध्य प्रदेश में 26 जुलाई से स्कूल में छात्रों के लिए क्लास खोल दी गई। इसके बाद मध्य प्रदेश में 1 सितंबर से 6 से 12 तक की सभी क्लासेस रोजाना का निर्णय लिया था। क्लास में 50% बच्चे उपस्थित रहने के निर्देश दिए थे। मध्य प्रदेश के 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, बिजली गिरने का भी अलर्ट। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। पिछले 24 घंटे में एक दर्जन से ज्यादा जिलों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई। एमपी के मौसम विभाग ने 12 जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की। वहीं सभी संभागों में बारिश के साथ बिजली गिरने और चमकने की संभावना है। इसके चलते येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। लोकायुक्त पर विवादास्पद टिप्पणी कर घिरे कमलनाथ, भाजपा ने चुनाव आयोग से की कार्रवाई की मांग। लोकायुक्त पर विवादास्पद टिप्पणी कर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ घिर गए। प्रदेश भाजपा ने इसे मुद्दा बनाकर चुनाव आयोग से उसके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस संबंध में प्रदेश भाजपा चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक एवं नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीरा राणा से मुलाकात की है। 40,000 से ज्यादा लोगों को अब तक नहीं लग सका कोरोना वैक्सीन का पहला डोज। कोरोना के टीके लगते हुए 10 महीने गुजर गए, लेकिन अब तक हजारों लोगों को पहली डोज नहीं लगी। भले ही वे जिले में रह रहे हों या नहीं, लेकिन त्योहारों पर उनका आना और बिना वैक्सीन के रहना सभी के लिए सिरदर्द हो सकता है। जिले में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत 10 महीने पहले हुई थी। जनवरी में इसका उद्घाटन हुआ था। तब से अब तक प्रदेश शासन और जिला प्रशासन के प्रयास से लाखों लोगों को कोरोना के टीके लग गए हैं। दूसरे डोज के लिए तो अभी भी बड़ी संख्या में लोग बकाया हैं, लेकिन पहले डोज भी हजारों लोगों को नहीं लग सके। मध्य प्रदेश के जिले में पेट्रोल पहुंचा 121 रुपए प्रति लीटर, डीजल 106 रुपए। पूरे देश में पेट्रोल डीजल के प्राइस से हाहाकार मचा है। रोजाना इनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। पूरे देश में पेट्रोल ने सेंचुरी मार दी, लेकिन मध्य प्रदेश का एक जिला ऐसा है जहां सबसे महंगा पेट्रोल बिक रहा है। ये जिला है अनूपपुर, जहां पेट्रोल की कीमत 121.35 रुपए प्रति लीटर है, तो वहीं प्रति लीटर डीजल के दाम 106.76 रुपए हैं। बिना टिकट ट्रेन में किया सफर तो देना होगा दुगना किराया। रेलवे ने ट्रेन में बढ़ती यात्रियों की संख्या को देखते हुए जांच अभियान शुरू कर दिया। जबलपुर रेल मंडल ने अपनी सीमा से गुजरने वाली ट्रेन में जांच अभियान शुरू करते हुए यात्रियों के टिकट जांचना शुरू कर दी। दरअसल त्योहार सीजन को देखते हुए ट्रेन में भीड़ ज्यादा है, जबकि रेलवे नियम के मुताबिक आरक्षित टिकट लेकर ही यात्रा की जा सकती है। इस नियम को आधार बनाकर यात्रियों की जाँच की जा रही है। इस योजना के तहत सोलर पैनल खरीदने पर 90% की सब्सिडी। केंद्रीय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने पिछले साल सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान योजना शुरू की थी। इस योजना का लक्ष्य 2022 तक 25,750 मेगावाट के सौर और अन्य नवीनीकरण क्षमता को कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ जोड़ना है। 34,422 करोड़ सभी आवेदक जो ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक हैं, फिर आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड करें और सभी पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें। भारी बारिश से खराब हुई सोयाबीन की फसल। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ समेत कई राज्यों में पिछले 3 दिनों से बारिश अपना कहर दिखा रही है। इस दौरान सोयाबीन की फसल को भारी नुकसान हुआ। जिन किसानों ने कटाई कर फसल को सूखने के लिए खेतों में डाल रखा था, उन्हें तो नुकसान हुआ ही, साथ ही अभी तक खेतों में खड़ी फसलों को भी भारी हानि पहुंची है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश और विदर्भ में किसान भारी पैमाने पर सोयाबीन की खेती करते हैं। ऐसे में इन किसानों के लिए बारिश एक आफत बनकर सामने आई है। पीएफ कर्मचारियों की आ गई मौज, खाते में आने जा रही है मोटी रकम। अगर आप किसी सरकारी या निजी कंपनी में नौकरी करते हैं तो ये खबर आपके बड़े काम की है। देश की कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके कर्मचारियों का पीएफ काटा जाता है, जिसका बड़े स्तर पर फायदा भी होता है। ऐसे में अगर आपका पीएफ कट रहा है तो अब आपकी मौज आने वाली है। पीएफ काटने वाली संस्था ईपीएफओ का वैसे कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा देने जा रही है। अब जल्द ही पीएफ कर्मचारियों के खाते में 8.5% की दर से ब्याज डाला जा सकता है। किसानों के खाते में आएंगे 18 लाख रुपए, करना होगा ये काम। इस देश के किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए केंद्र सरकार लगातार नई नई योजनाएं ला रही है। केंद्र एक नया विधेयक पेश करने की योजना बना रहा है, जो किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा। सरकार की इस योजना किसानों को प्रतिवर्ष 18 लाख रुपए देने की है। 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 2019 से 2024 से 5 साल की अवधि में 10,000 FPO के गठन को मंजूरी दी है। कमलनाथ बोले, 2023 में सरकार बनी तो फिर माफ करेंगे किसानों का कर्ज।
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पृथ्वीपुर विधानसभा सीट के प्रचार के लिए जेरोन इलाके में कांग्रेस प्रत्याशी नितेंद्र राठौर के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान कमलनाथ ने कहा कि अगर 2023 में कांग्रेस की सरकार बनती है तो एक बार फिर से किसानों का कर्ज माफ करेंगे। उन्होंने कहा कि पृथ्वीपुर की जनता पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है। स्वर्गीय ब्रजेंद्र राठौर द्वारा लंबे समय तक इस क्षेत्र का नेतृत्व किया गया। ब्रजेंद्र राठौर मेरे सबसे विश्वास पात्र मंत्री थे। उनके निधन के बाद उनके बेटे नितेंद्र राठौर पृथ्वीपुर की जनता की सेवा करेंगे। 1000 फीट के प्लॉट पर बना सकेंगे 4 मंजिल। मास्टर प्लान 2035 में भवन निर्माण से जुड़े कई नियमों को शिथिल किया गया। इसके चलते अब आमजनों को भवन निर्माण की परमिशन आसानी से मिल सकेगी, साथ ही कम जगह का अब ज्यादा उपयोग हो सकेगा। वहीं अब आमजन भवन के साइज के हिसाब से मिलने वाले FAR का 0.25% कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से राशि जमा कर उस पर निर्माण कर सकेंगे। खाद के भंडार का सत्यापन करा रही सरकार, गलत जानकारी देने वालों पर होगी कार्रवाई। रबी फसलों की बोवनी प्रारंभ होने के साथ ही DAP खाद की मांग बढ़ गई है। मुरैना, भिंड सहित अन्य जिलों में मांग बढ़ने के कारण गड़बड़ाई आपूर्ति को देखते हुए अब सरकार खाद के भंडार का सत्यापन करा रही है। वहीं खाद की उपलब्धता की गलत जानकारी देने समितियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कृषि विभाग दुकानवार खाद की उपलब्धता को लेकर प्रतिदिन समीक्षा करा रहा है। मुफ्त इलाज, बसें, आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड को बनाएं। कोरोना महामारी के बाद अब सभी को इस बात का एहसास हो गया होगा कि आपका स्वास्थ्य बीमा होना कितना जरूरी है। अगर आपको स्वास्थ्य बीमा नहीं मिल रहा तो आप आयुष्मान योजना के जरिए बड़ी बीमारियों का इलाज करा सकते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में स्वास्थ्य बीमा हर व्यक्ति की अनिवार्य आवश्यकता है। महंगा इलाज और अस्पताल का बढ़ता खर्च अक्सर आर्थिक रूप से संपन्न लोगों के लिए मुश्किलें बना देता है। ऐसे में बीमा सबसे बड़े भागीदार की भूमिका निभाता है। पंचायत चुनाव के लिए मतदान केंद्रों का सत्यापन होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया। सभी जिला अधिकारियों को मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए। यदि किसी मतदान केंद्र को परिवर्तित किया जाना है तो इस प्रस्ताव बनाकर भेजना होगा। चुनाव से जुड़ी सभी तैयारियों की समीक्षा 21 अक्टूबर को राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर्स के साथ आयोजित बैठक में करेंगे। TB बीमारी की जागरूकता को बढ़ाने के लिए शुरू हुआ TB सील वितरण अभियान। शैपीडी सहायक संघ द्वारा क्लॉथ मार्केट अस्पताल परिसर में रविवार को TB सील विक्रय अभियान की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम में डॉक्टर GD नागर, डॉक्टर अतुल, डॉक्टर विजय छजलानी, समाजसेवी अशोक कोठारी शामिल हुए। छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल के मुताबिक प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर से 23 फरवरी में TB सील विक्रय अभियान आयोजित किया जाता है। TB बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से TB बीमारी की जानकारी से जुड़ी स्टाम्प नुमा सील को जन जन तक वितरित किया जाता है। पंजाब से सबक लेकर फिर गेहूं की बंपर पैदावार की नई रणनीति, 14.15 लाख मीट्रिक टन की तैयारी। यूरिया के अत्यधिक उपयोग से हुए नुकसान में पंजाब से सबक लेकर इस बार मध्य प्रदेश के नर्मदांचल में गेहूं के फिर से बंपर पैदावार की रणनीति बनाई गई। इस बार के रबी सीजन में होशंगाबाद जिले में 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के मान से 14,25,400 मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन की तैयारियां की जा रही हैं। इसमें 60% गेहूं बेचने व 40% बीज व घरेलू उपयोग में होता है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।